देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नहीं तो शिक्षा के लिए जान देने वाले मेरे पति के मन में ग्लानि रहेगी। शिक्षा विभाग के लोग भी शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते कि वो किसी विद्यार्थी की सुरक्षा करे। सर, आप इस पेपर पर साइन करेंगे या नहीं, इससे साबित होगा कि हमारी जैसे कई छोटी जात के लोग आप पर भरोसा करके पढ़ने के लिए आगे निकले या फिर इस संध्या में पढ़ने के बारे में सोचे ही ना, क्योंकि उनकी मदद करने वाला तो कोई नहीं है ना सर। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप साइन करेंगे या नहीं। मगर इस तरह के ऑर्डर हमने अभी तक नहीं दिए हैं। ये पहला ऐसा अनोखा आदेश होगा कि एक विद्यार्थी को परीक्षा तक कॉलेज में रहने की अनुमति दी जाए। मेरे पति भी हमारी जात में पहले ही है जो स्नातक की परीक्षा दे रहा है। तो क्या तुम ये लिख के दे सकती हो कि तुम्हारा पति इस परीक्षा में पास हो जाएगा? सर, हो गया पेपर। बिल्कुल पास कर जाएंगे, आप जहां कहेंगे मैं वहां लिख कर दूंगी। अच्छा, तुम्हारा पति पढ़ने में इतना तेज है? वो पढ़ने में तेज है इसलिए परीक्षा पास नहीं करेंगे, बल्कि वो इसलिए पास करेंगे क्योंकि उनके पास फेल होने का विकल्प ही नहीं है। बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं, फेल होकर फिसल नहीं सकते। और फिर सयाजी महाराज की छात्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी, और छात्रवृत्ति खत्म हो गई तो वो फिर से कैसे पढ़ेंगे? इसलिए अब निश्चिंत रहिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि वो पास ही होंगे। परीक्षा के परिणाम के बाद ये जरूर बताना कि तुम्हारे पति के कितने नंबर आए। वो तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। पाला भैया, बहुत देर हो गई है, रमा अभी तक नहीं आई, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। वो रमा है, हार के थोड़ी ना आएगी। उधर देखिए, रमा और बाकी सब कहाँ चले गए?
कहा तो था कि परीक्षा खत्म होने तक यही रुकेंगे। क्यों भीमराव, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? यही कि फिर से मेरे कैबिन में जाकर छुप जाओगे? ऐसा बार बार नहीं होगा। सर, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं कि मैं परीक्षा ना दूं या फिर मैं फेल हो जाऊं? तेरे चाहने और न चाहने से क्या होगा? तुम्हारी और तुम्हारी जात की नियति बदल नहीं जाएगी, और अगर तुम जोर लगाओगी भी तो लोग तुम्हें बदलने नहीं देंगे। सुनो, हम भीम के पीछे पीछे जाएंगे। अभी उसकी सुरक्षा में कोई नहीं है। उसके घर वाले पता नहीं कहां चले गए, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। इस मौके का फायदा उठाते हैं और भीमराव को उठाकर गायब कर देते हैं। फिर देता रहे वो परीक्षा। उनकी परीक्षा खत्म हो गई होगी, हमें जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो वो हमें काले से ढूंढते हुए बाहर आ जाएंगे। अब उनका अकेला बाहर निकलना सही नहीं है। हाँ, हमें जल्दी चलना चाहिए। अगर हम समय पर नहीं पहुंच पाए तो हमारी कोशिश व्यर्थ हो जाएगी। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है सर, कि आप भी उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा की धरती पर उत्तरदायी होने वाला व्यक्ति ऐसी बातें करता है। बदतमीज हो तुम भीमराव। क्षमा कीजिए, लेकिन सही बात कहने वाला व्यक्ति अक्सर बदतमीज ही लगने लगता है। सर, चिंता मत कीजिए, इसे बस कॉलेज के बाहर जाने दीजिए, हम इसे पकड़कर उठा ले जाएंगे। चलो। रुकिए, जब तक परीक्षा खत्म नहीं होती तब तक आप कॉलेज में ही रहेंगे। रुको, कॉलेज है ये, धर्मशाला नहीं। जो यहां रहेगा वो ये कोई बड़ा अधिकारी नहीं जो यहां विश्राम कर सके। प्रिंसिपल सर, और कुछ कहने से पहले इसे पढ़ लीजिएगा। और आप प्रिंसिपल सर, अगर कॉलेज के अंदर भीम को कुछ हुआ या उसे किसी ने अगवा कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। महिपाल और बाकी के तुम्हारे दोस्त, अब जाओ यहां से, क्योंकि भीम अब सुरक्षित है यहां। और ये सही भी है कि भीम जैसे विद्यार्थी की सुरक्षा एक शिक्षण संस्थान नहीं करेगी,
तो और किसका करेगी? अब क्या करें? अभी के लिए चलते हैं, फिर देखते हैं। चलो। सर, यह घटना पहली बार है जब एक विद्यार्थी को ऐसे कॉलेज में रहने का प्रावधान किया गया। और ऐसी ही तमाम घटनाओं के प्रभाव से भीमराव अंबेडकर का निर्माण होगा सर। भीमराव, ये कॉलेज तुम्हारा है, जाओ और इस कॉलेज के हर एक कोने से दोस्ती कर लो, क्योंकि इस कॉलेज का हर एक कोना तुम्हारी पढ़ाई के संघर्ष का साक्षी है। भीमराव, तुम्हारे इस कॉलेज में बहुत ही कम दिन बचे हैं, जाओ कॉलेज के हर कोने से जाकर बात करो, शिकायत करो, प्रशंसा करो उसकी, जो कहना है कहो, बस इस कॉलेज के साथ रहो और इनसे कहो कि ये तुम पर विश्वास रखें कि तुम्हें अभी लंदन, अमेरिका और दूसरे देशों में जाकर भी पढ़ना है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है तुम्हारे जीवन में यहां तक पहुंचने का, ये संघर्ष रहा है तुम्हारा यहां तक पहुंचने का कि तुम्हारी जाति का एक भी बच्चा यहां तक नहीं पहुंच पाया। जाओ भीमराव, जाओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। छोटी जात का व्यक्ति जिस माइक्रोस्कोप में अपनी आंख डालकर देखेगा, उसी माइक्रोस्कोप में मैं भी अपनी आंख डालकर देखूंगा। गुरुजी, छोटी जाति का होकर साइंस पढ़ेगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। हमने पहले ही कहा था, इस भीम को दाखिला मत दो, अगर लेना भी है तो इसे साइंस मत पढ़ने दो। कबीर नाम जर्जरी कूड़े के वनहार, हलके हलके तिर गए बूढ़े तिनी सरभार।
कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास समुदही तिनका करी गिने स्वाति बूंद कियास स्वाति बूंद कियास। क्या बदतमीजी है ये? प्रिंसिपल के ऑफिस में स्टूडेंट को छुपाएगा? हमारे विरोध के बावजूद अगर विद्यालय प्रशासन ने तुम्हें विज्ञान पढ़ने की अनुमति दे दी है तो उसे रोकना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हम तुम्हें पढ़ने से नहीं रोक रहे बल्कि योग्य बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि कक्षा का शुद्धिकरण भी हो जाए और तुम्हारा भी। भीमराव, कॉलेज के गेट का रास्ता पता है या मैं छोड़कर आऊं? क्या बात हो गई रमा? अब तो सब ठीक है ना? भीमभाव को कॉलेज में रहने की अनुमति भी मिल गई, अब वो अच्छे से परीक्षा भी दे पाएंगे। जानती हूँ, दे देंगे अच्छे से परीक्षा और पास भी हो जाएंगे। अगर उनका सपना है कि वो लंदन अमेरिका जाकर पढ़े और वो जरूर जाएंगे। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है रमा? हम सबको तो गर्व होना चाहिए कि भीम हमारी जात का पहला ऐसा लड़का होगा जो विदेश जाके पढ़ाई करेगा। गर्व तो है भैया, लेकिन वो हम सबसे दूर हो जाएंगे। मैं उनके सामने नहीं रो पाऊंगी। मैंने खुद से वादा किया है मैं उनके और उनके पढ़ाई के बीच में कभी नहीं आऊंगी। अगर दुख तो होगा ना। हिम्मत कैसी हुई छोटी जात का होकर संस्कृत पढ़ने की? अगर यह कॉलेज नहीं होता तो शीशा पिघलाकर तुम्हारे कान में डलवा देता। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए छोड़िए।
मैं वादा करता हूं तुमसे, जब तुम्हें छोड़कर जाऊंगा आगे पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा।